उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको आगे के स्वर सिखाऊंगी। बट उससे पहले आप मेरे साथ उससे पहले वाले स्वर जो आप सीख चुके हैं वो एक बार रिपीट कीजिए। मेरे साथ बोलिए, अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ई, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेटर आता है री, री से ऋषि। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने री लिखा है और यहाँ पे री से ऋषि की पिक्चर है। इसके थ्रू आप जल्दी से पहचान जाएंगे कि री से कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा चीज स्टार्ट होती है। ये है री से ऋषि। बच्चों री से ऋषि लिखना सिखाने से पहले आप सब आपके पास घर पे आपके पास स्लेट तो होगी ही, सो मैं आज आपको उसी स्लेट के थ्रू री से ऋषि लिखना सिखाती हूँ। देखिए बच्चों आपके पास घर पे इस तरीके से स्लेट तो है ही, तो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की हेल्प से या आप अपने री से ऋषि यहाँ पे लिख दीजिए। मीन्स कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि एक बार आपको री से ऋषि स्लेट पर लिख के दे। इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन, नाउ स्लैंटिंग लाइन, इस तरीके से कर्व करेंगे एंड देन इधर कर्व करके इस तरीके से लिखेंगे और ऊपर लगाएंगे स्लिपिंग लाइन। इस तरीके से आपके पेरेंट्स को कहिए कि वो स्लेट पे आपको री से ऋषि लिख कर दे। और आपको क्या करना है इसके बाद, आपको इसके ऊपर प्रेस करना है। देखिए इस तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपको लिख के दे दिया। उसके बाद आप इसी के ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर इस स्लैंटिंग लाइन के ऊपर लाइन कीजिए, फिर ये कर्व लाइन के ऊपर लाइन कीजिए, इस तरीके से इधर भी कर्व कर दीजिए और उसके ऊपर लगा दीजिए एक स्लिपिंग लाइन। फिर से इसको रिपीट करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, इस तरीके से कर्व करेंगे एंड स्लिपिंग लाइन। स्लोली स्लोली इस प्रोसेस को करते जाइए। फिर से रिपीट करिए इस तरीके से स्लोली स्लोली, इसके ऊपर ही आपको लिखना है, आगे पीछे नहीं। इस तरीके से इस प्रोसेस को आप मिनिमम 20 टाइम रिपीट कीजिए और इतना ट्राई करिए कि इसके बाहर नहीं जाए। मींस कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है हम उसके ऊपर ही प्रेस करें, उसके अलावा कहीं प्रेस ना करें, तो आपको री से ऋषि लिखना इजी हो जाएगा। अब मैं आपको नोटबुक में री से ऋषि किस तरीके से लिखना है वो सिखाती हूँ। लाइन आपके पास इस तरीके से पेश है नोटबुक में, आप फर्स्ट लाइन में इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, देन स्लैंटिंग लाइन जैसा कि आपने स्लेट में किया, फिर इस तरीके से कर्व बनाएंगे, देन इस तरीके से कर्व बना करके नीचे लाएंगे, ओके, और फिर स्लिपिंग लाइन बना लेंगे। नेक्स्ट वन लाइन लीव करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, इस तरीके से कर्व करते हुए लाइन को टच करेंगे और फिर बना देंगे एक स्लिपिंग लाइन। और आपको लिखते लिखते बोलना भी जा रहा है कि री से ऋषि, मतलब मींस कि स्पीक एंड राइट, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। जब आपकी वन लाइन ओवर हो जाए तो नेक्स्ट लाइन भी लिखना स्टार्ट कर देंगे, री से ऋषि, री से ऋषि। बोलते भी जाना है लिखते भी जाना है, री से ऋषि। वन लाइन लीव करते हुए आपको पूरा पेज फिलअप कर देना है, री से ऋषि, री से ऋषि। इस तरीके से हम एक पेज को पूरा री से ऋषि लिख करके फिल कर देंगे। नाउ स्टूडेंट, अब तक आपने सीखा अ आ ई उ एंड री। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको इन्हीं वर्ड्स को, मींस कि सिमिलर वर्ड्स को एक दूसरे से मैच करना सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अब तक जो मैंने स्वर सीखे हैं वो लिखे हैं और यहाँ पे भी सेम साइड वही लिखे हैं, बट इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया है।
करेंगे। मीन्स हमारे पास फर्स्ट लेटर है आ से आम, आ से आम। आपको यही लेटर इस लाइन में ढूंढना है। क्या ये आ से आम है? नो। क्या ये आ से आम है? नो। क्या ये आ से आम है? यस। तो हम इस आ से आम को इस आ से आम से मैच करेंगे। लाइक दिस हम इस तरीके से इसको मैच करेंगे। ये हमारे आ से आम एक दूसरे से मैच हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास छोटा उसे उल्लू। छोटा उसे उल्लू, आपको इस लाइन में इसको सर्च करना है। लाइक ये आप उसे उल्लू है। नो दिस वन, नो दिस वन, नो दिस वन, नो दिस वन, यस। सो हाँ, इस उसे उल्लू को इस उसके उल्लू से मैच करें। नाउ नेक्स्ट वी हैव छोटी से इमली। आपको ये लेटर इसमें फाइंड करना है। लाइक ये छोटी से इमली है, यस। तो हम इसको इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द लेटर अ से अनार। फाइंड आउट लाइक ये हो गया, इसको हम स्पोर्ट नहीं करेंगे। ये नहीं हुआ, ये है ऋषि ऋषि, ये भी हो गया है, इसको छोड़ दो। छोटा बड़ा उसे खून, ये नहीं है, ये अ से अनार। तो अब हम ये अ से अनार को इस से अनार से मैच कर सकते। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास बड़ी से इमली। सो ये बड़ी से इमली है? नो। ये बड़ी से इमली है? नो। ये बड़ी से इमली है? यस। सो इसको हम इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास री से ऋषि। चलो फाइंड करते हैं इसको, कहाँ है री से ऋषि? ये दे रहा री से ऋषि ऊपर, हमने इसको इससे मैच कर दिया। लास्ट है हमारे पास बड़ा उसे ऊन। तो बड़ा उसे ऊन आपको कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो अब हम इसको बड़ा उसे ऊन से मैच कर देंगे। इस तरीके से बच्चों आज हमने इस तरफ की स्वर को इस तरफ के स्वर से मैच किया। मीन्स कि हमने सेम लेटर को मैच किया है। आप भी घर पे इस तरीके से लेटर लिख करके और उसको मैच कीजिए, ताकि आप लेटर्स को आइडेंटिफाई भी करना सीख जाए और सेम लेटर्स को मैच करना भी सीख जाए। ओके बच्चों, बाय बाय।